गुरुदेव को प्रणाम। क्या शिक्षा प्राप्त की है तुमने? बस चतुर्वेद, दशोपनिषद और अष्टादश पुराण का ज्ञान लिया है, किंतु आपके सामने तो छोटा सा जीव हूँ मैं। तुम अपने बारे में ठीक समझे हो, तुम एक छोटे से जीव हो। मुख का रंग बदल गया है, जैसा इसने कहा था वैसा ही मैंने भी कहा है। सच्चाई का सामना करना ही अद्वैत कहलाता है। क्यों स्वामी, हट जाओ कह रहे थे तुम्हारे शिष्य। इस तरह हट जाओ बोलना क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुना है तुम प्रचार कर रहे हो कि सब एक है, सब एक है, क्यों है? एक छोटा सा प्रश्न है, तुमने जो ये दंड पकड़ रखा है, लोग इसे प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या है दंड और प्रणाम एक होगा स्वामी? शिव शिव शिव। एक और बेकार प्रश्न, तपस्या करते सभी इसी तरह नाक पकड़ते हैं, शराब की बदबू से भी इसी तरह नाक पकड़ते हैं, वो पकड़ना ये पकड़ना क्या एक ही है स्वामी जी? शिव शंकर। ए स्वामी, वो शिव तो लोगों का पालक है, यहाँ मैं काशी शमशान का पालक हूँ, तुम्हारा शिव और मैं दोनों एक ही हैं, मैं कहता हूँ, तुम क्या कहते हो? ए तुम चंडाल हो, हम जैसे सन्यासी साधु और पंडितों के घूमने वाली इन गलियों में आकर तुम मदिरा के नशे में ये क्या बकवास कर रहे हो? दूर हो जाओ। मीठी ठंडाई मैंने पी है, सुनो एक कड़वा सच बताता हूँ, मैं हूँ एक चांडाल, समझे? इस तरह दूर जाओ कहने वालों को अंत में मेरे ही पास आना पड़ता है। मर्यादा रखते हुए यहाँ से दूर हो जाओगे, नहीं तो। ये क्या स्वामी, शिव के गले में सांप ने कभी डंक नहीं मारा, और तू क्या इतना गुस्सा दिखा रहा है? ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं दूर चला जाता हूँ। और दूर चला जाता हूँ। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ तुम भी वही खड़े हो, फिर अछूत नहीं हुए क्या? जिस आकाश के नीचे मैं खड़ा हूँ तुम भी उसी आकाश के नीचे खड़े हो, क्यों हो गए ना छूत? इस चांडाल से गुजरने वाली हवा भी तुम्हारे पास से गुजर रही है, उससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या है? मैं जिस गंगा में डुबकी लगाता हूँ तुम भी उसी गंगा में डुबकी लगाते हो, गलत नहीं है क्या? झूठ नहीं हो तुम, बोलो हा? ये पुराण सब छोड़ दो, बस एक बात बताओ, तुम जिसे दूर भगा रहे हो वो आग में जलकर राख होने वाला बदबूदार शरीर है, जो अग्नि में जल जाता है वो शरीर होता है, आत्मा नहीं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुट तरा या संविद जृंभते
या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत् साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चण्डालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषामनीषाम मा कर्म कर्म कहते हो, ये कैसा कर्म है? श्राद्ध कर्मांच करिष्ये। श्राद्ध कर्मांच करिष्ये। भगवन भिक्षां देहि। ए अयोग्य, बिना आज्ञा मेरे घर में प्रवेश करने वाले तुम कौन हो? आप जिन पितरों को पिंड प्रदान कर रहे हैं उनके स्वरूप में उपस्थित मैं एक चितात्मा हूँ। चितात्मा? नालायक हो तुम। चुपचाप चले जाओ वरना अद्भुत चक्र से मैं तुम्हें। मंडन मिश्रा, अतिथि बनके तुम्हारे पिता के श्राद्ध पर आया है अभ्यागति। अतिथि का प्रेम पूर्वक पैर धोके भिक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है। यहाँ मैं ये भिक्षा लेने नहीं आया, आपसे वाद विवाद भिक्षा लेने आया हूँ। हमसे वाद विवाद करोगे? मार्ग मध्य में आपके कुल गुरु कुमारिल भट्ट जी ऐसे ही कहकर वाद विवाद में हार कर शिवैट्य हो गए। आप वाद विवाद करेंगे या मेरा अभिवाद करेंगे, आपकी इच्छा। वाद विवाद के लिए तैयार हूँ मैं। निर्विवाद से विजय हमारी होगी, ये घोषणा करता हूँ मैं। मूछे हैं नहीं तो क्यों घुमा रहे हैं? पराजय को जय सोचकर भ्रम में जी रहे। ये जय पराजय हम जैसों के लिए तुच्छ मात्र है। इस वाद विवाद सभा में अपनी अर्धांगिनी अभय भारती देवी को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करता है। स्त्री का आदर करते हुए इस तरह गौरव स्थान देने वाले आपके आदर्शों का अभिनंदन करता हूँ। जब तक पति खड़े हों पत्नी को आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे आपको खड़ा रखने के लिए स्वयं माँ बैठ गई हैं। इनकी जीत अवश्य होगी, ये मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं खड़ी हूँ। ऐसी सभाओं के कुछ नियम और निबंधन होते हैं, अध्यक्ष के रूप में उन्हें बताना मेरा कर्तव्य है। वाद विवाद में इस तरह ऊपर नहीं देखते हैं। चुड़ैल कहेगी? चुड़ैल है, नीच है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। करते हुए उंगलियां नहीं दिखाते हैं। नहीं करते हैं, पागलों जैसे नहीं हंसते। भूमि को पैर से इस तरह नहीं मारते हैं। कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, हंसते हंसते ही वाद विवाद होना चाहिए। ये तुम दोनों भी शायद जानते ही होंगे। ये सब मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए किया था। इस विवाद में अगर मेरा पति हार गया तो मेरा पति हारा तो सन्यास स्वीकार करेंगे, शंकर हारा तो सन्यास छोड़कर गृहस्थाश्रम स्वीकार करना होगा उन्हें। ये है विवाद के निबंधन। सुनो बाल ब्रह्मचारी, तुम हारोगे तो भी लाभ ही होगा, अच्छी पत्नी जो मिलेगी। ये मालाएं महिमा संबंधित है, जो हारेगा उसकी गले की माला सूखी जाएगी। पहले से हार अपना के
जीत की माला पहना रहे हो। आवा, 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 आवा। भाई से कदम पीछे हट रहे हैं ना? कौए के बच्चे को क्या मालूम कि हाथी क्या चीज है। आवा, आवा। कुछ लोग हमें परम हंस कह के पुकारते हैं और तुम हमें कौवा कह रहे हो। हंस हो या कौवा, किसी में कोई अंतर नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है। ओहो, बार बार एक ही बात, एक ही बात। सब एक है, सब एक है। ये सब तुम्हारा पागलपन है। सुनो पंडितों, तुम लोग समझाओ इसे। हंसी, रोना, गुस्सा, शांति, भय, साहस, स्त्री, पुरुष, अमृत, विष, ये सब क्या समझते हो? एक कैसे हो जाएंगे बोलो? ये सारे आपसे पैदा हुए हैं। विवाद में इस तरह दांत नहीं दबाते, उफ नहीं कहते, इस तरह घूरते भी नहीं। ये सब एक है, ये हमें थोड़ा विस्तार से समझाएंगे बाल ब्रह्मचारी जी? क्यों नहीं बताऊंगा, आप ही सब कुछ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये है कृष्णा, ये है तुंगभद्रा, ये गंगा और ये है यमुना, ये गोदावरी, ये कावेरी। आपकी आंखों के सामने मैंने सारी नदियों के तीर्थ इस कलश में डाले हैं। आपको इसमें से सारी नदियों के तीर्थ अलग करने हैं। क्या मूर्ख समझ रहे हैं? कर्म कर्म, ये कैसे साध है? हंसते हुए मूर्ख समझ रखा है। कर्म कर्म, ये कैसे साध है? असाध्य है। सारी नदियों के तीर्थ मिलाने से एक तीर्थ बन गया। इसी तरह सब एक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मेरी माँ को कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं आप। हंसते हुए दांत नहीं दबा सकते, उंगलियां भी नहीं दबा सकते, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी उंगलियों को इस तरह बड़ा करके दिखाओ सबके सामने। हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये क्या स्वामी जी, एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है, ये ऐसे अलग अलग कैसे हो सकती है? तुम्हारे तर्कों जैसे। बाबा, 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 बाबा। भाई, जब तुम्हारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं? बोलो बोलो। बाबा, 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 बाबा। तेरे घूम गया ना। अखिल शास्त्र से सम्मानित हुआ हमारा कर्म सिद्धांत। बिना अर्थ वाले, बिना तर्क वाले हम आपके सिद्धांतों को नहीं मानते, क्या समझे गुरु? परंतु आप अवश्य मानेंगे। बोलिए, कल श्राद्ध कर्म में आपके पिता को क्या दिया था आपने? पिंड। जब आप माता के गर्भ में थे तो क्या कहलाए थे? पिंड। कलत्तान कंडम मिलत भ्रुंग शंडम चलत चारु शुंडम जगत त्राण शौंडम लसत तत्त कांडम विशत भंग चंडम शिव प्रेम पिंडम। पिता के श्राद्ध में जो दान किया वो पिंड है, माता के गर्भ में भी पिंड है। आपको पता है आप पैदा हुए तब आपको क्या कहते थे? भी नहीं मालूम। हंसते हुए। इतना भी नहीं मालूम। शिशु। जब आप बड़े हुए तब? बालक। उसके बाद युवक, वृद्ध, कुछ दिनों बाद देहांत होने पर आपको शव कहा जाए। कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? प्रस्तुत अप्रस्तुत सब कुछ एक है, आप ही से बुलवाऊंगा। बोलिए, अपने पिता के आप क्या बने? पुत्र। अपनी पत्नी के क्या बने आप? पति। आपका बेटा पैदा होगा तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप, बताइए ना। पिता बनूंगा। उस बेटे की शादी के पश्चात आपके घर में बहू आएगी, उसकी आप क्या बने? ससुर बनूंगा। उसका बेटा पैदा होगा तो?
दादा बनूंगा। अरे आश्चर्य की बात है, आप ही पिंड बने, बालक बने, बेटा बने, पति बने, ससुर बनेंगे, दादा बनेंगे, शव बनेंगे। एक मामूली पिंड इतना कुछ बन सकता है तो अंड पिंड ब्रह्मांड के सृष्टि रचयिता, पालन और रक्षा करने वाला वो परम ज्योति स्वरूप ही परम धाम है, तो वो परमात्मा ही सब कुछ क्यों नहीं हो सकता, बताइए मुझे। समझ गया, सभी में प्रभु का अंश समाया है। श्री शंकराचार्य शरणम। रुकिए, आप अभी हारे नहीं हैं। आपके गले की माला अभी आधी ही सूखी है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मुझे भी हराएंगे तभी उनकी हार होगी। मुझसे वाद विवाद करने के लिए तैयार हैं आप? ठीक है मां, आप विवाद आरंभ कीजिए। नाबालिग सन्यासी हैं, सावधान होकर ध्यान से सुनिए। आलिंगन कितने तरीके के होते हैं? मुग्ध नाई का चुंबन कैसा होता है? मनमत कलाएं कितनी होती हैं? स्त्री पुरुष के समागम में अंतरात्मा क्या होती है? कोई माँ अपने बेटे से ऐसे प्रश्न पूछती है क्या माँ? वाद में, जुए में, युद्ध में, जैसा आप कहते हैं सब समान है। अद्वैत, यहाँ पर संबंध वगैरह, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते हैं। ये हुई ना कुछ बात। आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं, परंतु अनुभव पूर्व बताने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अस्तु, कृपया करके अनुभव लेकर यहाँ पर दोबारा आइएगा। आप जा सकते हैं।